बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, जदयू और भाजपा की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है। दोनों पार्टी खुलकर एक दूसरे पे बयानबाजी कर रही है। संजय जायसवाल पे जदयू के प्रवक्ता हमला करते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ये दोनों दलों के बीच में जो लड़ाई है, वो लड़ाई तो दिख रही है जी। खरमाश खत्म, खेल शुरू। हाँ, अब यही ना खेला जी। इस खेला में देखिए, ये दोनों तुम टड़ा गाली गलौज हाँ पर उतर आई है। सत्ता में साथ है, इनूरा कुश्ती क्या कह रहा है? अब सत्ता की मलाई खाइएगा, जनता की भलाई के लिए मतलब नहीं रखिएगा जी। आपस में मुकेश सहनी जी उधर अलग यूपी में इंजन लेकर चले गए, मांझी जी अलग इंजन लेकर, कोई पूरब कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण, ये तो सरकार के शुभ लक्षण नहीं दिख रहे हैं। यूपी में वैसे भी तो भाजपा का खरमास में ही विकेट गिरना चालू हो गया था, अब यहाँ खरमास के बाद शुरू हुआ है। अब आगे आगे देखिए, ये जो तुम तड़ाक चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, इसका परिणाम भी सामने नजर आएगा। आपसे वही सवाल था अगला मेरा, कि जिस तरह से आपस में लड़ रही है सरकार की दो बड़ी पार्टी, बिहार के जनता का क्या होगा, 19 लाख रोजगार का क्या होगा? इसकी लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार हैं जी। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसी के लिए लड़ाई है। हाँ, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है तेजस्वी यादव जी। बिहार की 13 करोड़ जनता ने सबसे बड़ी ताकत दी है सदन में, और जो खेल खेला की बात लोग करते थे, हाँ, अब ये सब नाटक नौटंकी जो इस सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, हर मामले में बिहार पिछड़ रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जिस तरह से देख लीजिए, एसटीईटी के टीचर अभ्यर्थी हों या बीएसएससी वाले हों या वार्ड सचिव वाले हैं, उन लोगों की भी संख्या 1,14,000 है बिहार के सड़कों पर, पटना के सड़कों पर। तेजस्वी अब कैसे उन लोगों की बात आगे ले जाएंगे? तेजस्वी यादव जी को जनता का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, जनता की ताकत है, सच्ची आवाज़ को रोके हाँ वो दीवार गिरेगी जी। काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिर कर रहेगी, ये सरकार भी गिर कर रहेगी। अब खेला शुरू हो गया, खेल शुरू, अब खेल खत्म होने का इंतजार की। खेल शुरू हो चुका है, खरमास खत्म नहीं हुआ और खेल शुरू हो गया है। खेल खत्म होने का इंतजार कीजिए। जिस तरह से बिहार में राजनीति चल रही है और दोनों बड़ी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, और इससे देश बिहार की जनता का जो हाल है, वार्ड सचिव का जो हाल है, वो किसी से छिपा नहीं है। आपको क्या लगता है कि बिहार के वार्ड सचिव के साथ क्या होगा, क्या उनको न्याय मिलेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।